आपको बताऊं कि इसको अब हम कम कैसे करें, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन ये है कि जो नए अल्टरनेट सोर्सेज हैं, जो जदीद तरीके हैं, उनको लेकर आया जाए। और जैसे हमें चाइना ने बहुत से ऐसे नए तरीके इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिनमें हम लोग पुराने तरीकों को ख़त्म करके नए तरीकों के ज़रिए एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो लेकिन इस साल जो है वो फसल 50% कम है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी आई हैं मैंगो पे, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में चाइना में एक्सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा हमें काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे टेस्ट को डेवलप करने की ज़रूरत है और एक जो लॉजिस्टिक है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज हम करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो पहुँच चुके हैं। देखिए, करोट की वजह से तो अभी एक इजाफी बोझ जो हम पे पड़ सकता था वो नहीं पड़ रहा। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदीद, मैं हूँ आपकी मेजबानी सिंह। डॉन न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत यकुम जुलाई से घरेलू बिजली की कीमतों में 47% इजाफा करेगी ताकि ईंधन की दरामद से होने वाले नुकसान को कम किया जाए। हालिया महीनों में पाकिस्तान में एलएनजी की कीमतों में 40% इजाफा हुआ है। मौजूदा आलमी तवानाई की किल्लत की सूरत हाल में पाकिस्तान में तवानाई के बहरान का हल क्या है? आज के प्रोग्राम में हम माहिरीन से सुन देंगे। इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की कौमी पैदावारी सलाहियत तकरीबन 21 गीगावाट है, जबकि मजमूई तलब तकरीबन 28 गीगावाट है, जिसमें 25% फर्क आ रहा है। बिजली की बचत के लिए पाकिस्तान ने जून के अवाइल में ऐलान किया कि पब्लिक सेक्टर में 6 दिन का वर्किंग सिस्टम 5 दिन किया जाएगा। इस्लामाबाद, कराची और पंजाब के कई शहरों में रात 10 बजे के बाद शादियों पर पाबंदी है, कारोबार रात 9 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। मजीद तशवीश की बात यह है कि 40 सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म मौसम में कुछ इलाकों में रोजाना 7 घंटे से ज्यादा बिजली की बंदिश मामूल है। आलमी दवानाई की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से गुज़श्ता 1 साल से पाकिस्तान में भी दवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है, तो मौजूदा सूरत हाल क्या है, इससे कैसे निपटा जाए? अभी अगर देखें तो पाकिस्तान में फिर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसकी वजह से जो भी एनर्जी जनरेशन प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, तो वो उनमें भी बिजली बनाने की ताकत कम होती जा रही है। इसकी वजह यह है कि शदीद गर्मी की वजह से, पानी की कमी की वजह से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं वो प्रॉपरली जनरेट नहीं कर पा रहे एनर्जी। इसके अलावा जो हमारे दरियाओं में पानी की सतह है वो कम होती जा रही है, तो ये कुछ अनासर हैं जिनकी वजह से हम लोग खुद बिजली बनाने से कासिर होते जा रहे हैं। दूसरा ये कि कई दहाइयों से हम लोग गैर जो दूसरे ममालिक हैं उन पर डिपेंडेंट हैं, हम बहुत बड़ी तादाद में इन ममालिक से एनर्जी के लिए ऑयल इंपोर्ट करते हैं, गैस इंपोर्ट करते हैं, लेकिन आजकल जो एलएनजी है, जो नेचुरल गैस है, उसकी कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है और तकरीबन 3 दफा पाकिस्तान ये डील बनाने में नाकाम रहा है, क्योंकि ओवरऑल दुनिया में महंगाई का एक लहर चल पड़ी हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लोड शेडिंग से लेके जो कारोबार हैं वो बंद हैं, रोजमर्रा जिंदगी से लेके जो हमारी इंडस्ट्रियल लेवल है उस तक हम लोग फेस कर रहे हैं। हम कैसे गैर मुल्की कुदरती गैस पर इंहसार के बजाय अपने वसाइल से फायदा उठा सकते हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि इसको अब हम कम कैसे करें, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, तो सॉल्यूशन ये है कि जो नए अल्टरनेट सोर्सेज हैं, जो जदीद तरीके हैं, उनको लेकर आया जाए। और जैसे हमें चाइना ने बहुत से ऐसे नए तरीके इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिनमें हम लोग पुराने तरीकों को ख़त्म करके नए तरीकों के ज़रिए एनर्जी हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज सी पैक के अंडर पाकिस्तान में काम कर रही हैं और बहुत से एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं पाकिस्तान के कई शहरों में, थर के इलाके में, सिंध में, फैसलाबाद में, कई जगहों पर, रशा कई जोन में एनर्जी पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं ताकि इस चीज को कम से कम कीमतों को कम किया जा सके।
अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड वजारत तवानाई की तरफ से जारी करदा एक हालिया फेरिस्त से जाहिर होता है AEDB सर्टिफिकेशन रेगुलेशंस 2021 के तहत तस्दीकशुदा इंस्टॉलर्स के जुमरा C1 500 किलोवाट तक या इससे ज्यादा में चीन की फोटोवोल्टिक फ्राहम करने वाली जोनर्जी त्यांजन कंपनी लिमिटेड 84 कंपनियों की फेरिस्त में सरफेरिस्त है। ये कंपनी तकसीमशुदा ऑप्टिकल स्टोरेज के 30% से ज्यादा मार्केट शेयर की मालिक है।